सीधे मेलबर्न चलते हैं। विक्रांत गुप्ता, विक्रांत हाँ अब नजर आ रहा है आपका चेहरा। विक्रांत अब जरा बताइए, अब बताइए वहां पर, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, अब मैच पूरा होगा पूरे 40 ओवर। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, मौसम तो मतलब ये देखिए आसमान अब नीला भी है, ये आसमान ने तंग बड़ा किया है वीर जी। अरे वाह, मैच बहुत पूरा है श्वेता, मौसम बिल्कुल बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। अच्छा मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा आप क्या बोल रही है, क्योंकि इतना ज्यादा शोर है और जितने पाकिस्तानी फैंस हैं, जितने इंडियन फैंस हैं, और भाई साहब और यार यहाँ तो ऐसा लगता है श्वेता मैं हो गया गायब। तो श्वेता उत्साह बहुत ज्यादा है, जिस मैदान में 90,000 लोग बैठ सकते हैं और वो भी इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ पर क्या माहौल होगा। लेकिन द ओनली थिंग, मुझे इस बार एक चेंज लगा है इतने साल इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट कवर करके, कि यहाँ ना लड़ नहीं रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के फैंस। अच्छा यहाँ पे मेरे पीछे बॉलीवुड के गाने हैं, हिमांशु हिमांशु अभी आए फिर से बॉलीवुड के गानों पर ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान के फैंस आपको पीछे दिख रहे हैं। अच्छा ओहो ओहो यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे सर किस चीज का मजा, बहुत मजा है, किस चीज का आपको पता है कैमरा किसका है, किसका है, कौन से चैनल का ये देखिए, सिर्फ खुश है ये, कहाँ पर है क्या है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट बहुत सारे मैं एक चीज तो देखी मैंने यहाँ पे, शायद मैं पहले भी कह रहा था, जितने पाकिस्तानी फैंस हैं वो विराट कोहली की बात कर रहे हैं, जितने इंडियन फैंस हैं बाबर की बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है ये, आमतौर पर तो यार ऐसा लगता था जैसे एक दूसरे को आप जीने नहीं देंगे, यहाँ दूसरे दूसरे प्लेयरों की तारीफ है, ये हो क्या रहा है। नहीं सर हम तो विराट कोहली की बात कर रहे हैं, कोई और कर रहा होगा किसी की बात, हम तो विराट कोहली कर रहे हैं, क्या पहन है। अच्छा अभी 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 कुछ भी कोई बात करे, इस बार इंडिया जीतेगा, इनको भेजूंगा मैं अंदर खेलने के लिए। आप अगर आपको भेज दें अगर अंदर खेलने के लिए, शाहिन शाह अफरीदी को खेल लोगे ना, खेल लूंगे 160 किलोमीटर पर आवर, 160 कौन करता है भाई, गाड़ी थोड़ी चला रहे हैं। हाँ जी बोलिए, यहाँ पे पूछो, पूछो यार पिछले 1.5 घंटे से आप नाच रहे हो, थके नहीं हो। सर जब हिंदुस्तान का नशा चढ़ता है ना, हम सबको नचाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, कोई जीतेगा। एक बात तो लेकिन आपने जबरदस्त की कि हिंदुस्तान नचा रहा है, आप सारे आपके जो बॉलीवुड के गाने हैं पाकिस्तानी फैंस को भी नचा रहे हुए हैं। देखिए हमारा काम है नचाना, उनका काम है नाचना। श्वेता लेकिन 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 ये है, चूंकि 1 घंटे बाद टॉस है, दो बड़े फैक्टर्स जो थे वो ये थे, ए कि आपका तीसरा तेज गेंदबाज कौन होगा, क्या मोहम्मद शमी होंगे, अर्शद पटेल होंगे, बड़ा मैदान है, मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी ने जो 2-3 दिन नेट में बॉल डाला है इट लुक्स सुपर्ब, और इनफैक्ट एक दिन तो ऐसा लग रहा था कि भरे हुए कप्तान को उन्होंने नेट में 4 या 5 बार आउट किया। दूसरा डिबेट कि आप दूसरे स्पिनर किसको खिलाते हो, क्या आप अश्विन के साथ जाते हो या आप चहल के साथ जाते हो, शायद एक इंक्लिनेशन इस टीम की अश्विन की तरफ हो सकती है, बट खेलना चहल को चाहिए मेरे लिहाज से, हालांकि सुरेश रैना मदन लाल जी आपको बताएंगे, यहाँ ना थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस होगा, और चूंकि ये सर्दी अभी गई नहीं है, मॉइस्चर जहां पर विकेट में होगा, ये सन बेक्ड विकेट नहीं है, बॉल ग्रिप करेगा ही करेगा, और द बॉल जब ग्रिप करता है थोड़ा बाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। ये बड़े मैदान है, यूजी चहल 4 ओवर में आपको विकेट लेके दे सकते हैं, तो ये सोच भारत की है कि आपको 20 ओवर डालने वाले बॉलर चाहिए, या जो पाकिस्तान की ताकत है इस वक्त कि उनके पास जो 5 या 6 गेंदबाज है वो विकेट टेकिंग गेंदबाज है। क्यों सब कह रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी फैंस कि हमारे पास बॉलिंग है जी, बॉलिंग है जी, बॉलिंग है, बिकॉज वो विकेट टेकिंग बॉलर्स है। तो आई थिंक इंडिया को यहाँ पर कंडीशंस भूवी को भी सूट करेंगी, अब उनका इस्तेमाल कैसे आप करते हो पता नहीं, कंडीशंस मोहम्मद शमी को सूट करेंगी, अर्शदीप के लिए एक बड़ा मौका है, लेकिन अगर आप बैटिंग आमने सामने रखते हैं दोनों टीमें श्वेता टॉस जीत के बैटिंग नहीं करना चाहेंगी, पहले बिल्कुल नहीं करना चाहेंगी, उसकी कई वजह है। ए दोनों टीमें चेज करती है T20 में, T20 पहले खेलते हुए क्या पैमाना है, क्या ये 150 वाला विकेट है, ये 170 वाला विकेट है, ये 200 वाला विकेट है, ये इन दोनों की गलती होती है, चेज आपको मालूम है। दूसरी बात, बड़ा मुकाबला मैंने एक चीज देखी है, इंडिया पाकिस्तान बैटल ऑफ नर्व्स, कोई टीम ना पहले 15-20 मिनट हारना नहीं चाहती, अगर आप पहले बॉल डाल के 20 मिनट आपके खराब भी चले गए आप वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर आप बैटिंग कर रहे हैं पहले और 20 मिनट आपके खराब हो गए, आपके 2 विकेट चली गई, समहाउ मुझे लगता है टीमें नीचे लग जाती हैं। लेकिन अब सवाल यही है, न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज जीत के पाकिस्तान आया है,
और इंडिया की टीम यहाँ पे 15 दिन से है। सो आई डोंट नो, टूर्नामेंट जीतना बड़ा फैक्टर है या ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जो भारत को तजुर्बा है वो ज्यादा आपको एडवांटेज देता है। मंजीत सहगल से हमारे साथ है। मंजीत, दिखाइए जरा चंडीगढ़ की रौनक, चंडीगढ़ की राय। देखिए श्वेता, इस वक्त चंडीगढ़ में चटक धूप खिली हुई है और हम लोग सेक्टर 19 की क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ वरिष्ठ और कुछ जो उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा, जिनको बाई जी के नाम से जानते हैं। सुरेंद्र जी, आज का जो मैच होने वाला है उसके बारे में बताइए, भारत को सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है? आज का जो मैच है, ये सब लोगों को, मेरा ख्याल हिंदुस्तान में हर आदमी को 1:30 बजे का इंतजार है। आज के मैच में चुनौती तो यही होती है कि मैच है, एक अच्छा मैच होगा। और मेरा पूरे वर्ल्ड में दो टीमें ऐसी हैं, पाकिस्तान और इंडिया, जिसका हर आदमी मैच का इंतजार करता है और सबको इंतजार होता है। जो आज पलड़ा भारी होगा वो इंडिया का होगा, क्योंकि इंडिया 2020 का मास्टर है। मास्टर इन द सेंस के हम 2020 की बहुत मेहनत करते हैं। आईपीएल सिर्फ हिंदुस्तान में होता है और यहाँ पे जो आईपीएल खेलते हैं वही लड़के आज की डेट में, मेरा ख्याल 2020 में, 2020 एक गेम, अलग गेम है बाकी गेमों से। और मैं समझता हूँ जो हमारी टीम है वो एक संतुलन टीम है, बहुत अच्छी टीम है, उसमें यंगस्टर भी हैं और कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं। तो आज का जो मैच है बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है और मैच का एक तरह का एक दिवाली का वो हमें लोग गिफ्ट देने वाले हैं और गिफ्ट के इसके लिए आज हम मैच जीतेंगे और ये मेरा शुभकामना है टीम को भी और आप सब देखने वालों को भी। गुलनाज खान, आप भी क्रिकेट खेल चुके हैं चंडीगढ़ से ही, आप ये बताइए आज के मैच में भारत की क्या चुनौती है और पाकिस्तान की क्या कमजोरी है? देखें जी, इंडिया इज आवर हॉट फेवरेट और वैसे भी इफ यू लुक एट इट, जो बैटिंग लाइनअप है इंडिया की बड़ी जबरदस्त है और बॉलिंग में काफी कंसिस्टेंसी है। बीइंग एन इंडियन, इंडियन अमेरिकन नाउ, माय बेस्ट विशेस टू द इंडियन टीम। और पिछले जो भी अप्स एंड डाउन हुए हैं, मेरा ख्याल है इंडियन टीम को उसको भुला के दे शुड फोकस ऑन टुडे। जस्ट लाइक बाई जी सेड, 1:30 बजे सारे इंडिया को इंतजार है और अब से कुछ घंटों में हमें दिवाली गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, गुरनूर, आप क्रिकेट खेलते हैं, युवा क्रिकेटर हैं, बताइए आज के मैच में क्या होने वाला, क्या उम्मीदें हैं आपको? आज के मैच में तो इंडिया ही जीतेगी क्योंकि इंडिया एक बेस्ट टीम है और इनकी बैटिंग वगैरह बहुत स्ट्रांग है, सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा फॉर्म में हैं, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव, इसलिए आज इंडिया ही जीतेगी। आप किसके फैन है? मैं विराट कोहली। क्या अच्छा, उनकी बैटिंग और उनकी फिटनेस, उनका ओवरऑल गेम। युवा खिलाड़ी में अपना नाम बताओ। मेरा नाम दीपक है और सारे मैच ही बहुत अच्छे रहते हैं, बट स्पेशली इंडिया पाकिस्तान की अलग ही एक्साइटमेंट है सब खिलाड़ियों के बीच में। और इसके अलावा ये है कि मैच जो भी हो, मुझे इतना पता है बहुत टफ मैच होगा, बट इंडिया की टीम ज्यादा अच्छी है। और बट क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया मैच होने वाला है और दर्शकों के लिए ये मैच सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। इंडिया दीप जी, आप भी क्रिकेट प्रेमी, बताइए आज के मैच को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हॉट फेवरेट सबका होता है और मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि कौन जीतेगा ये मैच, लेकिन डेफिनेटली ये है कि इस समय सबको इंतजार है और आशा करते हैं कि इंडिया जीते। देखिए श्वेता, हमने जो सीनियर है और जो उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी है सबसे बातचीत की, सबकी उम्मीद है कि भारत जीत दर्ज करेगा। मौसम की सब बार बार अपने मोबाइल फोन देख रहे हैं कि वहां का मौसम साफ रहे, अच्छा रहे। मौसम तो साफ ही है लगातार, कम से कम जब तक मैच चल रहा है।